हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू एक्सिस आईएएस। आई एम संदीप कुमार और एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 7 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन आज चैप्टर 7 होगा। 6 चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट चैप्टर जो हमने किया था वो संचार माध्यमों को समझना था कि संचार माध्यम हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोगी हैं। अगर संचार माध्यम को में कोई प्रकार की प्रॉब्लम आ जाए, मान लिया आपसे व्हाट्सएप छीन लिया जाए या आपसे इंस्टाग्राम छीन लिया जाए या आपसे मोबाइल ही छीन लिया जाए, तो आपका जीवन कैसा होगा, किस तरह से अपने आप को हैंडल करेंगे, है ना। बाबू सोना से कैसे बात होगी, किस तरह से ये जो रील्स वगैरह हैं उन पे बनाई जाती हैं, लाइक शेयर चेक किए जाते हैं, किस तरह से होगी, हम आपको किस तरह से पढ़ाएंगे। तो कुल मिलाकर के संचार माध्यमों में हमने ये जाना था कितने प्रकार के संचार माध्यम हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके क्या नॉर्म्स हैं और उनसे जो उत्पन्न होने वाली डिस्ट्रप्शन है, हानियां हैं, है ना, उन सभी के बारे में हमने एक एक करके समझा था। आज हमारा जो चैप्टर है वो है मार्केट, बाजार। ठीक है, कैसा होता है बाजार, क्या होता है बाजारों में, है ना, और हमारे आसपास के मार्केट में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और ये हमारी पॉलिटी के लिहाज से, चाहे प्रिलिम्स हो या मेंस हो, कैसे काम आएगा। ओके, तो चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अध्याय 7, हमारे आसपास के बाजार। हम बाजार जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें परचेज करते होंगे, सब्जियां हैं, साबुन है, दंत मंजन, मसाले, ब्रेड, बिस्किट, चावल, दाल, कपड़े, किताबें, कापियां। ओके, इसके अलावा मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, लैपटॉप। ओके, तो इस तरह के बहुत सारे गैजेट्स हों, है ना, या हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम वाली आने वाली चीज़ें हों, तो ये हम कहाँ से खरीदते हैं। अगर आप दिल्ली जैसे बड़े महानगरों में रहते होंगे, देश की राजधानी में रहते हैं, या किसी रिमोट एरियाज़ में या गांव में जहां पर साप्ताहिक बाज़ार कम लगते हैं या वहां साप्ताहिक बाज़ार हैं, छोटी मोटी चीज़ें आप खरीद सकते हो वहां। लेकिन लैपटॉप आना लेना है तो आपको किसी बड़े मार्केट में जाना होता है या ऑनलाइन परचेज करते हो। अब तो मार्केट आपके मोबाइल में भी है, फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, है ना, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं जिनके माध्यम से हम चीज़ें परचेज कर लेते हैं। तो हम ये सारी चीज़ें कहाँ से खरीदते हैं, हम जो खरीदते हैं यदि उन सब की सूची बनाए तो यह काफ़ी लंबी होगी। बाजारें भी कई प्रकार की होती हैं, जहाँ हम अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए जाते हैं, जैसे पास पड़ोस की गुमटी में अब कमला पसंद खानी है तो कहाँ जाओगे भाई। ठीक है, कमला पसंद कर तो ऐड बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, है ना, और अच्छे अच्छे लोग कर रहे हैं ना। तो कमला पसंद आपको खरीदनी है, आपको सुट्टा मारना है, आपको कोई भी प्रकार का मसाला लेना है, तंबाकू खाना है, या आपको बिस्किट खरीदना है, आपको चाय खरीदनी है, आपको चीनी लेनी है, तो आसपास के कहीं छोटे से दुकान में जाओगे या आसपास पड़ोस में गुमटी होगी उसमें जाओगे, साप्ताहिक हाट बाजार या इसमें जा सकते हो, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या शॉपिंग मॉल आदि में जा सकते हो। लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आपको मसाला थोड़ी मिलेगा। इस अध्याय में हम बाजार के इन्हीं प्रकारों को समझने की कोशिश करेंगे या जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ बेची जाने वाली चीज़ों खरीदारों तक कैसे आती हैं, ये खरीदार कौन है, ये बेचने वाले कौन हैं, और इस सब के बीच में कैसी और क्या समस्याएं सामने आती हैं, यानी हम परिवहन को भी इसमें, ट्रांसपोर्टेशन को भी समझने का प्रयास करेंगे। ओके, उसके बाद कुछ रूल्स होंगे, जैसे किसान के लिए एपीएमसी मंडी, ठीक है, एपीएमसी मंडी का क्या रोल है, कैसे किसान अपने उत्पादों को यहाँ पर आके बेच सकते हैं। अब ये देखो, ये छोटे छोटे किताबों का मेला लगा हुआ है, इधर देखो, है ना, नारियल वगैरह, सब्जी वगैरह, सब्जी भाजी वगैरह बिक रही है, ये देखो कपड़े का एक दुकान है, है ना, ये भी कुछ दुकानें हैं, ये तुम्हारे बाजार हैं जो आपके आसपास मार्केट में रहते हैं। और ये देखो एक बड़ा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जहाँ पर बहुत सारे लोग बिग बाजार टाइप में यहाँ पर परचेजिंग कर रहे हैं, ये इधर कोई दुकान है। ओके, राइस लेना है, ये देखो मूर्तियों की दुकान है, यहाँ हर माल 10 रुपये 20 रुपये, ये देखो मिठाई की दुकान है, दूध वगैरह खोलाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के लोग साप्ताहिक बाजारों में क्यों जाते हैं, तीन कारण बताना है आपको। साप्ताहिक बाजारों में दुकानदार कौन होते हैं, बड़े व्यापारी इन बाजारों में क्यों नहीं दिखते, साप्ताहिक बाजारों में सामान सस्ते दामों पर क्यों मिल जाता है, एक उदाहरण देकर समझाइए कि लोग बाजारों में कैसे मोल तोल करते हैं, और मोल तोल में जानते हो क्या, महिलाओं की स्थिति तो बहुत ज़्यादा चिंताजनक है, पुरुष तो जो मिला वो ले आया, महिलाएं भैया बहुत भयानक बेइज्जती करती हैं दुकानदारों की। तो साप्ताहिक बाजार इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यहाँ सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन में बाजार लगता है।
आप आसपास के किसी गांव में चली जाइए, ठीक है, किसी गांव में अगर आप बिलोंग करते होंगे तो वहां मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार किसी एक दिन या सप्ताह में दो दिन दुकान लगती हैं, है ना, खासकर भाजी की दुकान है, सब्जियों की दुकान है, ठीक है, सप्ताह में एक बार लगती हैं। तो कुल मिलाकर के इस साप्ताहिक बाजार में रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती हैं। यहाँ पर क्या है, दरी बिछा करके काम करने लगे, या चबूतरा छोटा मोटा बना है उस पर बैठ के काम करने लगे, ऊपर तिरपाल लगा लिया धूप छाँव अगर वगैरह के लिए। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कोई पक्की दुकानें नहीं है कि शटर उठाया बंद कर दिया। जो शटर उठाने वाली दुकानें हैं तो वो क्या है, वो परमानेंट खुलती हैं, सप्ताह में एक दिन वहां पर छुट्टी रखी जाती है प्रशासन की तरफ से। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं, शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं। जैसे आप लोग मेला गए होंगे दो दिन तीन दिन वगैरह के लिए, जो मेला हॉट वगैरह लगते हैं, अगले दिन वे अपनी दुकानें किसी और जगह पर लगा लेते हैं। देश भर में ऐसे हजारों बाजार लगते हैं, लोग इनमें अपनी रोजमर्रा की जरूरत की चीजों को खरीदने आते हैं। जो लोग शहर तक नहीं आ सकते या जिनकी पर कैपिटा इनकम उतनी नहीं है कि वो बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या बड़ी बड़ी दुकानों से परचेजिंग कर सके, तो वो लोग क्या करते हैं, इन छोटे छोटे बाजारों में जाते हैं और यहाँ से अपने रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें यहाँ से खरीद लेते हैं। कपड़े हैं, सब्जियां हैं, है ना, फ्रूट्स हैं, इसके अलावा जो घरेलू यूज की चीजें हैं, प्लास्टिक का सामान हो गया, स्टील का सामान हो गया, लोहे का सामान हो गया, शादी वगैरह के लिए खरीदारी कर लेते हैं। तो ये सब सारे यहाँ पर बड़ी आसानी से और सस्ते दाम पर मिल जाते हैं। साप्ताहिक बाजारों में बहुत चीजें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। ऐसा क्यों, अब आपको सब्जी खरीदनी है, ठीक है, एक ऐसे गांव में जाइए जहां पर किसान उस गांव के चारों तरफ बसे हुए होते हैं, तो किसानों से लेकर के बाजार तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं लगता, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं लगता। ना पक्की दुकानें हैं, ना किराया देना है, ना कुछ देना है, नॉमिनल फीस होती है 20 रुपए 25 रुपए। तो यहाँ पर चीजें उतनी महंगी नहीं है, लेकिन जब वैल्यू एडेड होता जाएगा, मान लिया कोई आलू, मान लिया ए स्थान पर कोई आलू उगता है और बी स्थान पर इसको बेचा जाना है, और ए स्थान से बी स्थान की दूरी मान लिया 200 किलोमीटर है। अब ये 200 किलोमीटर ढो के यहाँ तक पहुंचेगा, ठीक है, तो इसमें कई प्रकार के संसाधन लगेंगे, कई प्रकार के लोग होंगे, परिवहन होगा। तो कुल मिलाकर के अगर यहाँ 2 रुपए केजी मिल रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 रुपए केजी हो जाएगा। तो वैल्यू एडेड हुआ, ओके, इसी को कहते हैं फूड चेन, खाद्य श्रृंखला, ओके, तो वैल्यू एडेड हो जाता है उसका। और फूड प्रोसेसिंग, इसको खाद्य प्रसंस्करण बोल देते हैं इसको सामान्य भाषा में। पक्की दुकानें होती हैं, उन्हें दुकानों के कई तरह के खर्चे जोड़ने होते हैं, कहाँ, जहाँ पर ये चीज़ें सस्ती नहीं मिलती हैं, उन्हें दुकान का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क आदि देना पड़ता है। इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह भी इन्हीं खर्चों से निकाली नहीं होती है, जोड़नी होती है। साप्ताहिक बाजारों में बेची जाने वाली चीज़ों को दुकानदार अपने घरों में ही जमा करके रखते हैं, ना इनके लिए कोई किराया देना है, ना कुछ देना है, तो ये चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। लेकिन वही कोई आप मार्केट में जाओगे तो वो चीज़ें वहीं पर वैल्यू एडेड करके मिल जाती हैं। इन दुकानदारों के घर के लोग अक्सर इनकी सहायता करते हैं, है ना, जिससे इन्हें अलग कर्मचारी नहीं रखने पड़ते हैं। साप्ताहिक बाजार में एक ही तरह के सामानों की कई दुकानें हो सकती हैं, है ना, और जो क्या करते हैं, आपस में कंपटीशन करते हैं। इससे क्या होगा, मान लिया एक सेलर है और वो क्या कर रहा है, सबको उत्पाद दे रहा है, तो वो जैसा रेट चाहेगा वैसा रखेगा। लेकिन अगर किसी जगह पर 5 सेलर हो जाए, ओके, और सबके पास वही सामान है, तो रेट गिर जाएगा, क्योंकि अभी तक डिमांड सिर्फ ये पूरी कर रहा था और इसी की डिमांड से, इसकी सप्लाई से सारे लोगों की डिमांड पूरी हो रही थी। अब सप्लाई करने वाले 5 लोग मिल गए और डिमांड तो उतनी है, तो क्या होगा, रेट डाउन हो जाएगा, महंगा करके नहीं बेच पाएगा, ठग नहीं पाएगा। यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है तो लोग वापस, उनके पास विकल्प होता है, वो क्या करेंगे, दूसरी दुकानों पर वही सामान देख लेंगे। जैसे आप फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करते हो और फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करते करते आपको लगता है कि यार ये तो बड़ा महंगा आइटम दे रहा है, मैं क्या करता हूँ, मैं किसी दूसरे ऐप से देख लेता हूँ। आप अमेजन पे देख लेते हो, आप स्नैपडील पे देख लेते हो, आप क्या करते हो, मीशो पे देख लेते हो, तो वहाँ पर आपको प्रतियोगिता नजर आती है और वहाँ पर चीज़ें आपको अधिक कीमत की जगह पर सस्ती कीमत पर मिल जाएंगी, ओके। लोगों के पास यह विकल्प होता है कि वे अगली दुकानों पर वही सामान देख लें, जहाँ संभव है कि वह वस्तु कम कीमत पर मिल जाए। ऐसी स्थिति में खरीदारों के पास यह अवसर भी होता है कि मोल तोल करके भाव कम करवा सकें, ठीक है। अब ये देखूं, साप्ताहिक बाजार में शमीर रेडीमेड वस्त्रों का एक व्यापारी है, एक छोटा व्यापारी है, वह शहर के एक बड़े व्यवसायी से कपड़े खरीदता है और सप्ताह भर में 6 अलग अलग जगहों पर साप्ताहिक बाजारों में कपड़ों को बेचता है।
समीर दूसरे कपड़ा व्यापारी इकट्ठे जाते जाते हैं, इसलिए वे किराए की लिए क्या करते हैं, मिनी वैन ले लेते हैं। और ग्राहक सामान्यतः आसपास के ग्रामीण होते हैं, दीपावली पोंगल ऐसे ही त्योहारों के मौके पर अच्छा खासा व्यवसाय कर लेते हैं। अब मान लिया चार व्यापारी हैं और ए स्थान से इनको सामान लाना है, तो चारों एक साथ चले जाते हैं, एक किसी गाड़ी को कर लेते होंगे, किराया जो कन्वेंस होगा वो आपस में बांट लेते होंगे। ओके, साप्ताहिक बाजारों का एक फायदा यह होता है कि जरूरत का सभी सामान एक जगह पर मिल जाता है, सब्जियां कपड़े किराना सामान से लेकर बर्तन तक सभी चीजें यहाँ उपलब्ध होती हैं। अलग अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाने की जरूरत नहीं होती है। लोग अक्सर उन बाजारों में जाना पसंद करते हैं जहाँ सामान की विविध विकल्प उपलब्ध हो जाते हैं। ओके, अब मोहल्ले की दुकानें वगैरह देखो, जहाँ से आप मसाला वगैरह परचेज करते होंगे, साप्ताहिक बाजारों में हमें कई तरह का सामान उपलब्ध करवाते हैं। बहरहाल हम अन्य तरह के बाजारों से भी सामान खरीदते हैं। ओके, अब सुजाता की कहानी पढ़ लो। ये सुजाता कविता एक दिन अपने मोहल्ले की दुकान से किराने का सामान खरीदने पहुंची। हम सब लोग जाते हैं, किराए पे रहते होगे तो आप किराना तो भराते ही होगे ना, अगर खाना बनाते होगे किराना भराने के लिए किसी सेलर के पास जाते होगे, आसपास कोई दुकान होगा उसी से सारा सामान उसको लिखा देते होगे, वो लिख लेता होगा, सामान निकाल देता है, आप पेमेंट करते हो, सामान लेते चले जाते हो, यही तो होता है। और अक्सर जो बड़ा आदमी होगा वो चार पहिए से जाएगा, वो किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाएगा, ठीक है, बड़े बड़े मार्केट में जाएगा, और वहां से क्या होगा, देख सुन के सब कुछ थोक बजा के लेके आएगा। और लोकल सेलर क्या होगा, जो दे देगा वो लेके चले आओगे आप, है ना। यहाँ भीड़ थी, दुकान मालिक दो सहायकों की मदद से दुकान का काम संभाल रही थी। जब सुजाता कविता दोनों दुकान के अंदर पहुंचती हैं तो सुजाता ने दुकान के मालिक को जरूरत के सामान की सूची बोलकर क्या कर दी, लिखवा दी। वे इसकी सूची का सामान तोलने पैक करवाने के लिए अपने कर्मचारियों को निर्देश देने लगी। कविता चारों तरफ नजर दौड़ा रही थी। बाएं हाथ के सबसे ऊपरी सेल पर अलग अलग ब्रांड की साबुन की टिक्कियां रखी, दूसरी सेल पर दंत मंजन, टेलकम पाउडर, शैम्पू, बाल का तेल मतलब बालों में लगाने वाला तेल, ऑयल। अलग अलग ब्रांड के अलग अलग रंगों से सामान मलुहा रहे थे, फर्श पर कुछ बूढ़े पड़े हुए थे। सारा सामान तोलने बांधने में करीब 20 मिनट लग गए। सुजाता ने अपनी नोटबुक सामने कर दी। दुकान मालिक ने नोटबुक में 3000 की संख्या दर्ज की और वापस कर दी। उसने अपने बड़े रजिस्टर में यह संख्या लिखवा रखी थी। सुजाता अपने भारी थैले को लेकर बाहर निकली। अगले महीने में के हफ्ते में उसके घर की दुकान का हिसाब चुका दिया जाएगा। देखो, जहाँ पर लेबर वर्क होता है ना, तो वहाँ पर एक डेट में पेमेंट मिलती है, ठीक है, एक डेट में क्या होती है, पेमेंट मिलती है। तो सामान तब तक ये लोकल शॉपकीपर क्या करेगा, इनको उधार देगा और डायरी मेंटेन करेगा, और जैसे इनको पेमेंट होगा तो ये पेमेंट क्या करेंगे, अपना उधारी चुका देंगे, ऐसे काम चलता है। तो ऐसी बहुत सारी दुकानें हमारे मोहल्ले में भी होती हैं जो हमें कई तरह की सेवाएं सामान उपलब्ध कराती हैं। पास की डेयरी से दूध, है ना, किराना व्यापारी से तेल मसाले अन्य खाद्य पदार्थ, स्टेशनरी से कागज कलम, फिर दवाइयों की दुकान से ये सारी चीजें खरीदते ही हैं, है ना। तो सुजाता नोटबुक लेकर दुकान क्यों गई थी, क्योंकि भाई दोनों जगह लिखा होगा तो समस्या नहीं आएगी, ठीक है। अगर दोनों जगह नहीं लिखा होगा, अब शॉपकीपर जो बता देगा भैया इतने का सामान हुआ था, और सुजाता के पास वो लिखा नहीं हो तो क्या होगा, शॉपकीपर उसको फर्जी में पैसा ले लेगा कि नहीं ले लेगा। तो इसीलिए क्या करता है, दोनों पक्षों में लिखावट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, गाड़ी मैकेनिक भी होते हैं, फल विक्रेता भी होते हैं, फुटकर दुकानदार, छोटे बड़े सब दुकानदार होते हैं जिनसे हम लोग सामान खरीदते हैं। पड़ोस की दुकानें कई अर्थों में बहुत उपयोगी होती हैं। अब मान लिया, अब सप्ताह में मान लिया सोमवार को बाजार लगता है। अब सोमवार को तुम आलू ले आए, है ना, 5 kg। इस समय आलू का रेट बड़ा हाई है, 35 रुपये kg है हमारे यहाँ तो, है ना। मान लिया 5 kg आलू ले आए। अब सोमवार को ही अगले बार बाजार लगनी है, यानी 8वें दिन बाजार लगेगी। अब 8वें दिन बाजार लगेगी, आपके यहाँ मेहमान 10 ज़्यादा आ गए, यानी सप्ताह में 4 दिन लगातार मेहमान आ गए। ये आपके आलू जहाँ 8वें दिन तक चल रहे थे, ये 4 दिन में ही ख़त्म हो गए, तो आप क्या करोगे। तो आसपास दुकान होने से ये फायदा होगा कि जो चीज़ें हमें कम पड़ रही हैं तो दूर भागना न पड़े, हम क्या करें, वहीं आसपास की दुकान से खरीद लें। ओके, तो इसलिए साप्ताहिक बाजारों से कभी कभी विकल्प हमें आसपास भी मिल जाते हैं। सामान्यतः दुकानदार खरीदार एक दूसरे से परिचित भी हो सकते हैं, ये भी एक फायदा है कि मान लिया आपको पैसा नहीं है तो उधार ले आए, है ना। दुकानदार ग्राहकों के लिए उधार भी देने को तैयार होते हैं, यानी आज खरीदे गए और कल पैसे दे देंगे। ओके, ऐसा होता है।
अंजला मॉल, अंजल मॉल एक 5 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। कविता सुजाता इसमें लिफ्ट से ऊपर जाने और नीचे आने का आनंद ले रही थी, या कांच की बनी लगती थी वे बाहर से बाहर, वे इसमें से बाहर का नजारा देखती हुई ऊपर नीचे जा रही थी। आप लोग भी गए होगे ना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह, तो वहां पर क्या मूवी वगैरह देखने जाते होगे, हो सकता है सामान भी खरीदने जाओ, तो ये सारी चीजें करने जाते हो ना, तो उसी तरह सुजाता और कविता भी गई होगी। तो ये लोग क्या है अचंभित हो रहे थे, भाई गांव का आदमी जब शहर जाता है ना, जिसने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बड़ी बड़ी इमारतें कम देखी होंगी, शहर जाके वो चकाचौंध में खो जाता है कुछ टाइम के लिए, उसे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब शहरों की मार पड़ती है ना, तब समझ में आता है कि यार गांव बहुत अच्छा था। ओके, तो मॉल के तीसरे तल पर घूमते हुए 2 ब्रांडेड रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर पहुंच गए वो दोनों। सुरक्षा कर्मचारी ने उन्हें कुछ इस तरह देखा कि वह इन्हें रोक देना चाहता है। अभी पिछले दिनों खबर आई थी कि कोई लुंगी पहन करके किसी मॉल में गया, उसको गार्ड ने रोक दिया, फिर उस पर केस हुआ। केस होने के बाद क्या हुआ, उस मॉल को अस्थायी तौर पर बंद करवा दिया कुछ टाइम के लिए, उस पर केस किया गया। ओके, तो कभी कभी ये भी हो जाता है कि आप लोग आपको कपड़ों से, आपके शारीरिक बनावट से, आपके रंग रूप से जज करते हैं, है ना। उनको लगता है कि यार कहाँ फकीर लोग आ गए, इस तरह का कपड़ा खरीदने औकात नहीं, तो इस तरह से भी लोग जज करते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन का एक आधार है। ओके, ये समझते हुए चलना, ये डिस्क्रिमिनेशन का आधार है। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 जो भी समानता के अधिकार हैं, 14 से 18 उनमें सब में इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है। आप किसी को धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान इन आधारों पर कहीं जाने से मना नहीं कर सकते। रंग रूप छोड़ दो, कपड़े पहनना छोड़ दो, ठीक, सॉरी, कपड़े पहनने के मतलब ये है कि अगर कोई खराब कपड़े पहनना है तो उसको जाने दो भाई, वो कुछ भी अंदर से हो सकता है। ऐसा थोड़ी कि नहीं, बहुत अच्छे कपड़े पहनने वाला बहुत पैसे वाला हो सकता है, गरीब आदमी भी खरीदने की एवज में रख सकता है। ओके, तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन होता है मॉल वगैरह में। लोग आपको ऐसे देखेंगे, 8,000 की तनख्वाह पाने वाला आपको जज करता है। ओके, सुजाता का हाँ सुविधा होती है, जैसा कि सुजाता के उदाहरण में हमने देखा, मतलब उधार ले आओ, कल पैसा दे दो। पड़ोस में भी कई तरह के दुकानदार होते हैं, कुछ तो पक्की दुकान वाले होते हैं, कुछ सड़क के किनारे दुकान सजाकर सामान बेचते हैं, ऐसा होता है हमारे आसपास समाजों में, जिसको स्ट्रीट वेंडर बोलते हैं, स्ट्रीट वेंडर, ठीक है, स्ट्रीट सेलर भी कह सकते हो, स्ट्रीट, जैसे देखा होगा भुट्टे की दुकानें हैं, फलों की दुकानें हैं, सब लोग सड़क पे लगा लेते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल, 2 प्रकार के बाजार हमने देखे, एक पहला साप्ताहिक बाजार, दूसरा पड़ोस की दुकानों का बाजार, जो आसपास हमारे आसपास मार्केट होता है, जो सप्ताह के 7 दिन खुलता है। शहरों में कुछ अन्य तरह के भी बाजार होते हैं जिनको हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। इन देखो, एक बड़ी सी बिल्डिंग होगी, है ना, उसमें कपड़े की दुकान होगी, घड़ी की दुकान होगी, लैपटॉप की दुकान होगी, मोबाइल की दुकान होगी, खिलौनों की दुकान होगी, बिग बाजार टाइप का होगा जहाँ खाने पीने से लेकर के कपड़े, हवाई जहाज सब मिलेगा। तो इस तरह के एक बड़ी बिल्डिंग में इस तरह के सारे मार्केट इकट्ठे होते हैं, इसको बोलते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। ओके, अब तो कुछ शहरी इलाकों में भी आपको बहु मंजिला और वातानुकूलित दुकानें भी देखने को मिलेंगी, यानी फुली एसी, मजा बहुत आता है यहाँ लोगों को। और जो लड़के नए नए जाते हैं ना शहरों में, है ना, लड़के हों या लड़की, उनको घूमने में कुछ टाइम तो मजा आता है, लेकिन जब कंपटीशन देते रहते हैं और उनका एग्जाम नहीं निकलता है, तो ये प्रेशर बनने लगता है कि यार घूमे ना होते तो शायद हमारा सिलेक्शन हो गया होता। देखो, ये एज ऐसी होती है ना जहाँ पर आपको घूमना भी है, पढ़ाई भी करनी है, सपने भी देखना है, प्रेम भी करना है। ओके, हर इंसान का मन होता है, तो सप्ताह में एक आधे दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सप्ताह में एक दिन आप पढ़ते हैं और 6 दिन आप इन बाजारों में घूमते हैं तो गलत बात है। ओके, माता पिता के पैसे को बर्बाद नहीं करना है आपको, आपको क्या करना है, क्योंकि माता पिता अपने लिए तो मेहनत कर नहीं रहे हैं, आपके लिए ही कर रहे हैं, आपको पैसा दे रहे हैं, जिससे क्या होता है आप पढ़ाई करें और अच्छी जगह पर नौकरी करें, बस यही होता है। ओके, तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी होती हैं, जब आपकी जेब में पैसा नहीं होगा तो ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आपको आकर्षित नहीं कर पाएंगे। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। तो जिनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं, यानी एक बिल्डिंग है उसमें सभी प्रकार के सामान मिल जाएंगे, इन्हें मॉल कहा जाता है। शहरी दुकानों में आपको बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान भी मिलता है, रेड चीप का मिल जाएगा, ठीक है, है ना, बहुत सारे। अब इतना तो मैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह में घूमा नहीं, गरीब आदमी था मैं, ठीक है,
तो बहुत सारे ब्रांडों के नाम मुझे पता नहीं है, नॉर्मल सा एक इंसान हूँ और कपड़े पहनने का बहुत ज़्यादा शौक नहीं है। लेकिन हाँ, एक रेड चीप है ना, बाटा है, ये शूज वगैरह के नाम मिल जाएंगे। अब तो क्या बोलते हैं, वुडलैंड वगैरह कपड़े वगैरह भी आने लगे हैं, और भी कई सारे कंपनी हैं, है ना, सियाराम है, हमारे यहाँ तो यही चलता था, तो हमको यही सारे नाम याद हैं, है ना। बिग बाजार में चले जाओगे तो वहाँ सभी प्रकार की चीज़ें कुछ सस्ती मिल जाएंगी, बाई वन गेट वन मिल जाएगा, सेल चल रही होगी, तो इस तरह पर यहाँ पर ब्रांडेड आइटम मिलते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के ब्रांडेड आइटम होते हैं, और उन्हीं ब्रांडेड का पैसा भी होता है भैया। ओके, वही ब्रांड का पैसा भी होता है। अब चाहे बिस्कुट पार्ले जी खा लो या फिर किसी और कंपनी का खा लो, है ना, जिसको स्वाद चाहिए वो क्या है, ब्रांड में घूमेगा, और जिसको अपना पेट भरना है वो कुछ भी मिल जाएगा खा लेगा। बात समझ में आ गई ना। अब 5 सितारा होटल में बैठ के खाओ या छोले कुलचे खा लो किसी गली नुक्कड़ पे, पेट दोनों से भरेगा, ठीक है। लेकिन पैसे का रईसा होता है, जिसके पास जो पैसा है उसी से वो काम करेगा। और कुछ बिना ब्रांड के सामान भी मिल जाता है वहाँ। विज्ञापन वाले अध्याय में आपने पढ़ा था, ब्रांडेड सामान जिसे कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर क्वालिटी के दावे कर कर बेचती हैं, वो क्या होता है, महंगा होता है, क्योंकि इसमें ना काफ़ी सारी चीज़ें, अब इतनी बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ पर दुकान लेना, वहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर अपना बिजनेस जमाना बड़ी बात होती है, और यहाँ पर किराया बहुत महंगा होता है, परमानेंट एसी चलता है, 5-6 लोग मिलके काम करते हैं कम से कम, ठीक है। तो यहाँ पर सामान क्या होगा, महंगा होगा। कंपनी अपने ब्रांडेड उत्पादों को बड़े शहरी बाजारों, अपने विशेष शोरूमों में बेचने के लिए लाती हैं। बिना ब्रांड के उत्पादों की तुलना में इन ब्रांडेड सामान की कीमत का बोझ केवल कुछ लोग ही उठा पाते हैं, और वो होगा होल पॉपुलेशन का 3 से 5% लोग। बहुत बड़े ब्रांडेड आइटम यही लोग खरीदते हैं, बाकी लगभग 25% लोग नॉर्मल ब्रांड के कपड़े, जूते, खाने का सामान, है ना, लग्जरी आइटम जिनको हम बोलते हैं। बहुत जो मेन ब्रांड है जैसे एप्पल, भारत में कितने लोग, 140 करोड़ की आबादी में कितने, महज 1-2% लोगों के पास ही होगा, बहुत है ये 1-2%। ओके, सबके पास एंड्रॉयड होगा, वही चाइनीज, जिनको हम चाइनीज मोबाइल के नाम से जानते हैं, लावा है, एमआई है, ठीक है, सैमसंग है, इस तरह के लोग यूज करते हैं, है ना। लेकिन हम टोटल पॉपुलेशन 25% मान लेते हैं, जो यानी हल्के लग्जरी आइटम से लेकर के हाई लग्जरी आइटम का उपयोग करती है। 75% पॉपुलेशन इन्हीं लोकल मार्केट से सामान्य परचेज करती है। आ गई बात समझ में। अब बाजारों की जो श्रृंखला है कैसे काम करेगी, है विभिन्न तरह के बाजारों के बारे में पढ़ा, जहां हम सामान खरीदने जाते हैं, कि आप सोच सकते हैं सभी दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सामान कहाँ से लेकर आते हैं। अगर उनको आलू बेच रहा है कोई शॉपकीपर, तो आलू कहाँ से आया होगा, किसान के खेत से। अब किसान के खेत से लेकर के आपकी थाली तक आने में कितने ज्यादा लोग होंगे, आलू थाली तक आया है आपकी और किसान ने उसका उत्पादन किया है, तो इसके बीच में जो चीज लोग हैं ना, उन्हीं को क्या बोलते हैं, फूड चेन, ठीक है, खाद्य श्रृंखला। ओके, सामानों का उत्पादन कारखानों, खेतों, घरों में होता है, लेकिन हम कारखानों, खेतों से सीधे सामान नहीं खरीदते, कि अंबानी से कह दें कि नहीं भैया हमको आपसे ही लेना है, हम बंबई आ जाते हैं, भाई बंबई में नहीं खरीद पाओगे ना, आपको लोकल मार्केट में ही सिम खरीदना पड़ेगा। चीजों का उत्पादन करने वाले भी हमें कम मात्रा में, जैसे 1 किलो सब्जी या 1 प्लास्टिक का कप आदि बेचने में रुचि नहीं रखेंगे। ओके, वो तो बल्क में आपको देंगे ना, वो तो बड़े व्यापारी हैं। वे लोग जो वस्तु के उत्पादन और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में या संख्या में सामान खरीद लेता है, जैसे सब्जियों का थोक व्यापारी 1 किलो सब्जी नहीं खरीदता, बल्कि वह 25 से 100 किलो तक सब्जियां खरीद लेता है। वह उन्हें दूसरे व्यापारियों को बेचता है जो छोटे होते हैं। मान लिया 100 किलो खरीदा, 10-10 किलो 10 लोगों को बेच दिया, ठीक है, तो वो दूसरे व्यापार यानी लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है, वो रिटेलर कहलाता है, खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है, ठीक है। तो समझ में गया ना कि जो होलसेल डीलर है और फुटकर व्यापारी है, उसमें डिफरेंस क्या होता है। होलसेल डीलर क्या करेगा, आपको 100 आइटम बेच देगा, और फुटकर व्यापारी क्या करेगा, जिससे आप खरीदोगे उससे एक उत्पाद खरीदोगे। अब उषा की कंपनी में जाकर के आप फैन नहीं खरीद सकते, आपको किसी रिटेलर से, किसी दुकान से ही खरीदना होगा। बात समझ में आ गई ना। जो किसान है, किसानों से तो हम थोड़ा बहुत ला सकते हैं, लेकिन
जनरल वे में देखें, आपको फ्रिज खरीदना है तो फ्रिज किसी रिटेलर के पास जाना होगा, फुटकर व्यापारी के पास जाना होगा, ना कि किसी कंपनी में जाकर के आप ला सकते हो। ओके, या वही दुकानदार होता है जो आपकी पड़ोस की दुकानों, साप्ताहिक बाजार या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचता हुआ मिल जाएगा। ओके, शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है ना, जैसे आजादपुर मंडी दिल्ली में, आजादपुर मंडी है ना, दिल्ली में सिर्फ आजादपुर ही नहीं है, और भी सारी मंडियां, लेकिन आजादपुर का मैं जिक्र कर रहा हूं क्योंकि मुखर्जी नगर से के पास पड़ता है। ओके, तो आजादपुर मंडी से भारी मात्रा में सामान देश विदेश तक भेजा जाता है, तो आजादपुर मंडी में होलसेल डीलर होगा है ना, और वहां पर क्या होगा, रिटेलर्स होंगे जो क्या करेंगे, वो छोटा छोटे आइटम में, छोटे छोटे पैकेजेस में होलसेल मंडी से वो सारी चीजें खरीदते हैं, है ना, जिनको क्या सड़क के किनारे आपको बेचना है या पक्की दुकानों में बेचना है या फिर साप्ताहिक बाजारों में बेचना है, ये आपको डिसाइड करना है ना। यहाँ पहले वस्तु पहुँचती हैं, यहीं से वे व्यापारियों तक पहुँचती हैं। सड़क के किनारों की दुकान का छोटा व्यापारी, जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा था, बड़ी संख्या में प्लास्टिक का सामान शहर के थोक व्यापारी से लेकर के आता है। आफ्ताब शहर के में सब्जियों का थोक व्यापारी, आफ्ताब उन थोक व्यापारियों में से एक है जो बहुत बड़ी मात्रा में खरीदारी करते हैं। उनका व्यवसाय सुबह 3 बजे से आरंभ होता है, उसी समय सब्जियां बाजार में पहुंचती हैं। यही समय है जब सब्जी बाजार या मंडी की गतिविधि तेज होती हो रही होती है। आसपास दूर दराज के खेतों से ट्रकों, मेटाडोर, ट्रैक्टर ट्रालियों में सब्जियां यहां आने लगती हैं। जल्द ही नीलामी की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। आफ्ताब भी इस नीलामी में शामिल होता है, सब्जियां देख कर वह तय करता है कि वह क्या खरीदेगा। ओके, तो वहां नीलामी के माध्यम से चीजें होती हैं, जैसे एपीएमसी मंडी में वगैरह में किसान अपने जो उत्पाद होते हैं उनको सीधे अपने उन मंडियों में ले जाकर के बेच सकते हैं। वहां तो पक्की दुकानों की भी सुविधा होती है, और सरकार ने इतनी व्यवस्था कर रखी है कि अब तो वो जो एक्चुअल प्राइस है उस पर उसको कोई धोखा नहीं देगा, है ना। अब 2-4 किलो आप किसान से सीधे ना खरीद के क्या करना है, वो आपको तो राशन के माध्यम से मिल जाएगा, FCI वगैरह अपने जो खरीददार हैं उनसे खरीद लेता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा व्यापार है, एक बड़ा व्यापारी है। मान लिया कोई बड़ा व्यापारी है, 10 क्विंटल का उत्पादन करता है, फिर वो क्या करता है, किसी बड़े मार्केट में उसको बेच देगा। अब बड़े मार्केट में 10 और व्यापारी चले जाएंगे और वो 10 व्यापारी 1-1 क्विंटल ले आएंगे, उनसे क्या करेंगे, फुटकर जो उपभोक्ता होगा उस तक धीरे धीरे पहुंच जाएगा। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि एक लंबी श्रृंखला है, और इसी को जब कोविड आया था तो कोविड में यही श्रृंखला डिस्टर्ब हो गई थी, जिससे बहुत सारी उपयोगी वस्तुओं के रेट हाई होते चले जा रहे थे, जब गवर्नमेंट ने उसको क्या किया था, कंट्रोल किया था। बात समझ में आ गई ना। और व्यापार तो हम से इंडस वैली सिविलाइजेशन से पढ़ते आ रहे हैं हिस्ट्री में, तो ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं है, बस आपको समझना है ना, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, और ये कॉन्सेप्ट की ही क्लास है। बड़ा व्यापारी अपने से भी बड़े थोक व्यापारी से स्वयं सामान खरीदता हूँ, ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। हर जगह व्यापार, हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर तरह तरह के बाजार होते हैं, तरह तरह की वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं। ये बाजार अपनी अपनी जगहों पर और समय समय पर अपनी तरह से काम करते हैं। कई बार तो यह आवश्यक नहीं होता कि आप सामान खरीदने के लिए बाजार आए, फोन इंटरनेट वगैरह से आपको मिल सकता है, फ्री शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। शहरी क्षेत्रों में लोग इंटरनेट के जरिए घर के बाहर कदम रखे बिना बाजार में प्रवेश कर लेते हैं, क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं, क्रेडिट या डेबिट से, UPI वगैरह से, और एक और चलता है डिलीवरी होने के बाद पेमेंट, ठीक है, तो वो भी हो सकता है। तो बहुत सारी फ्लिपकार्ट, अमेजन, बहुत सारी ऐसी है ना कॉमर्शियल ऐप्स हैं या कॉमर्शियल कंपनीज हैं जो ऐसे काम करती हैं। अब तो क्लिनिक वगैरह में भी जाने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर से सीधे आप टेली मेडिसिन कर सकते हो, टेली कम्युनिकेशन करके काम कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काम हो जाता है। तो अब तो बड़ा ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आ जाने से हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, हमें इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। आगे बात समझ में, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, और बाजार आपके मोबाइल में आ गया, ओके, आपकी जेब में आ गया, खाना भी ऑर्डर कर सकते हो स्विगी वगैरह से, ओके, तो सब कुछ तो आपके मोबाइल में है, बाहर जाने की ज़रूरत क्या है, बस नौकरी करने आपको बाहर जाना है। ये तो बाजार के वे रूप हैं जो सीधे तौर पर दिखाई देते हैं, ऐसे भी कुछ बाजार होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी कमी होती है, क्योंकि यहाँ बिकने खरीदी जाने वाली चीज़ें हम सीधे प्रयोग नहीं करते,
एक किसान अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ खाद उर्वरक इस्तेमाल करता है। ये उर्वरक वह शहर की कुछ खास दुकानों से ही खरीद सकता है, ठीक है, जो सरकार के अंडर में काम करती हैं, है ना। खाद के कारखानों से माल मंगाया जाता है, कार के कारखानों से इंजन, गियर्स, पेट्रोल टंकियां, ये सारी चीजें कुछ ऐसी जगहों पर हैं जहां पर हम नहीं पहुंचते। तो बाजार और समानता, तो हमने आसपास के कुछ बाजारों पर नजर डाली, उस साप्ताहिक बाजारों से लेकर के बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक के दुकानों और दुकानदारों को देखा। अब इन दुकानदारों में एक बड़ा अंतर निकल के आया, एक छोटी पूंजी से व्यवसाय करने वाले दुकानदार, दूसरी अपनी दुकान के लिए बड़ी पूंजी खर्च कर सकता है। इनकी आमदनी में भी डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर जो हम बिजनेस करेगा ना, तो माल ब्रांडेड महंगी वस्तुएं बेचेगा, तो इसकी इनकम क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अलग अलग होती है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, असमानता बहुत ज़्यादा होती है। साप्ताहिक बाजार का छोटा दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की व्यापारी की तुलना में बहुत कम लाभ कमा पाता है। इसी तरह खरीदारों की भी अलग अलग स्थितियां होती हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सस्ता मिलने वाला ही सामान खरीद पाने की स्थिति में नहीं है, ठीक है, वो तो उनका जीवन सर्वाइव हो जाए यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, उनके लिए वो वही सामान ढूंढते हैं जो उनके बजट में फिट रहता है। हम लोग भी बजट की चिंता करते हैं ना। जब दूसरी ओर लोग मॉलों में महंगी खरीदारी करने में व्यस्त होते हैं, है ना, इस तरह कुछ हद तक अन्य कारणों के अलावा हमारी आर्थिक स्थिति यह तय करती है कि हम किन बाजारों के या खरीदार दुकान हो सकते हैं। तो जो गोल SDG इंडेक्स का गोल जो 12 है ना, सतत विकास लक्ष्य, 12 जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। SDG इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, UPPCS, RORO, NDA CDS वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं, इनको आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। एंड इंडेक्स के बारे में क्या क्या चीज़ें कही गई हैं, एक गोल में, पहले गोल में क्या है, दूसरे में क्या है, अंतिम में क्या है। तो हमारे सामान के उत्पादन से लेकर हम तक पहुंचने वाली बाजारों की श्रृंखला को समझा हमने। इस श्रृंखला से यह संभव होता है कि एक जगह उत्पादित होने वाला सामान लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाए, ट्रेन से, बसेस से, ठीक है, पानी वाले रास्ते से, वाटरवेज से, ना, अब तो ज़्यादातर सामान इसी तरह से क्या होता है, ट्रकों से इधर से उधर पहुँचाया जाता है, बहुत सारे लोग लगे होते हैं। वस्तुओं को बिकने से वस्तुओं के उत्पादन सीधे जुड़ा होता है, जितनी डिमांड होगी उसी हिसाब से सप्लाई बनानी पड़ेगी। डिमांड ज़्यादा हो गई, सप्लाई कम हुई, तो रेट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन आएगा, और डिमांड कम हो गई तो क्या हो गया, सप्लाई बढ़ गई तो क्या होगा, डिफ्लेशन आ जाएगा। आगे बात समझ में, तो ये चीज़ें घटती बढ़ती रहती हैं। तो बनी हुई चीज़ों को बिकने से ही लोगों को रोजगार मिलता है और उत्पादन भी बढ़ता जाता है। परंतु क्या इसे श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर लाभ के समान अवसर मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है। एक कमीज की कहानी अगले अध्याय में हम सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे हमें समझ में आएगा कि लाभ कैसे वितरित होता है ना, प्राथमिक से लेकर के अंतिम उपभोक्ता तक जो बीच में एक साइकिल होती है, उस साइकिल में क्या कब सभी को समान लाभ होता है, नहीं होता होगा। आ गई बात समझ में, तो क्यों नहीं होता, उसके क्या कारण है, ये अगले अध्याय में हम समझने का प्रयास करेंगे। अगला है एक फेरी वाला दुकानदार से कैसे भिन्न होता है। देखो, तो फेरी वाला क्या होता है ना, इसके पास कोई स्थायी स्थान नहीं होता ना, इसको कोई किसी प्रकार का रेंट देना है ना, इसको बिजली की व्यवस्था करनी है, तो साइकिल पे रख लेगा, मोटरसाइकिल पे रख लेगा, किसी गाड़ी में रख लेगा, ठीक है, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर टहलता रहेगा। व्यापार में इसकी लागत कम है और उसी हिसाब से इसको इनकम है। दुकानदार क्या करता है, उसको एक स्पष्ट जगह देखनी पड़ेगी, है ना, बिजली देखना पड़ेगा, AC लगवानी पड़ सकती है या पंखा लगवाना पड़ सकता है ना, एक दो लोग रखने पड़ेंगे दुकान को संचालित करने के लिए, है ना, टाइम टेबल होगा कि आज आना है, सप्ताह के 7 दिन खुलने हैं, 6 दिन खुलने हैं, तो इस तरह से भिन्न होता है। साप्ताहिक बाजार बेची जाने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मूल्य डिफरेंस बहुत होता है, विक्रेता ग्राहक। स्पष्ट कीजिए, बाजारों की श्रृंखला कैसे बनती है, इससे क्या किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है। तो बाजारों की श्रृंखला 1 से 2, 2 से 3, 3 से 7 ऐसे बनती चली जाती है ना। मान लिया किसान है, किसान के बाद बड़ा व्यापारी है, बड़ा व्यापारी से मीडियम व्यापारी, मीडियम से छोटा व्यापारी, फिर रिटेलर, तो इस तरह से होती है। इनसे उद्देश्यों की पूर्ति होती है कि एक स्थान से सामान दूसरे स्थान तक, यानी उत्पादन से उपभोक्ता तक आसानी से डिलीवर हो जाता है और लाभ भी सबको प्राप्त होता है, कम ज्यादा हो सकता है लेकिन सबको मिलता है।
सब लोगों को बाजार में किसी भी दुकान पर जाने का समान अधिकार है, बिल्कुल राइट है। क्या आपके विचार से महंगे उत्पादों की दुकानें के बारे में यह बात सत्य है, उदाहरण देकर स्पष्ट करिए। पहली चीज तो जाने का तो अधिकार है, जाते ही हैं ज्यादातर लोग, कुछ जगहों पर बदतमीजी हो जाती है ना, कि वो अपने आप को बाप समझने लगते हैं, आम आदमी को वहां घुसने से रोकते हैं, लेकिन कानून है, संस्थाएं हैं जो इसको रोकने का प्रयास करती हैं। ओके, तो हाँ, उत्पाद उनकी रीच से बाहर होते हैं क्योंकि ब्रांडेड उत्पाद है। मान लिया वो 400 का उनका बजट है और 4000 की शर्ट वो कैसे खरीद पाएगा, तो ये डिफरेंस आता है। बाजार जाए बिना खरीदना और बेचना हो सकता है, उदाहरण देकर इस कथन की व्याख्या कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। बहुत सारी कमर्शियल वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं, जिनके माध्यम से फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह की व्याख्या कर दो भाई, कि अगर दुकानदार हो तो दुकानदार के लिए भी वो ऐप है सकता है। जैसे आपको कहीं यात्रा करनी है और आपके पास गाड़ी नहीं है तो ओला उबर कर सकते हो, ठीक है। आपको बहुत लंबे स्थानों की, मान लिया जम्मू कश्मीर से आपको कन्याकुमारी जाना है तो ट्रेन की व्यवस्था हो सकती है, बसेस की हो सकती है, एरोप्लेन से जा सकते हो। तो ऐसा नहीं है जिसके पास साधन नहीं है वो खरीद बेच नहीं पाएगा, हो सकता है। साप्ताहिक बाजार, नियमित बाजार नहीं होते, यानी परमानेंट नहीं होता, ये सप्ताह में एक दिन या दो दिन मैक्सिमम खुलते हैं या बंद हो जाते हैं, एक या दो बार लगाए जाते हैं। इन बाजारों में घरेलू सामान की लगभग सभी चीजें बिकती हैं, कपड़ी से लेकर सब्जी, बर्तन वगैरह सब मिल जाएगा। मॉल तो ये एक बड़ा स्थान होता है या बड़ी बिल्डिंग होती है, 4 मंजिला हो सकती है, 5 मंजिला, 6 मंजिला हो सकती है, चारों तरफ से घिरा हुआ दुकानदारी का स्थान होता है, बहुत बड़ी इमारत होती है, कई मंजिले, दुकानें, रेस्तरां, सिनेमाघर, है ना, और यहाँ पर प्रायः ब्रांडेड उत्पाद ही मिलते हैं। तो प्रायः, ऐसा नहीं लोकल सामान नहीं मिलता, मिलता है भाई, लेकिन ब्रांडेड ज्यादा होगा। थोक, थोक का मतलब क्या है, इकट्ठा, बड़ी मात्रा में खरीदना और बेचना होता है। अधिकांश उत्पादों जिनमें सब्जी है, फल है, फूल है, भी सम्मिलित है, अपने अपने विशेष थोक बाजार होते हैं। बाजारों के देखो, हर शहर में एक बड़ा मार्केट होता है, इसको हम थोक मार्केट बोलते हैं। अब तो एपीएमसी किसानों के लिए, सब्जी उत्पादों के लिए हर व्यवस्था तो हर शहर में, अब मान लिया किसी गांव से बिलोंग करते हैं तो जो डिस्ट्रिक्ट होगा आपका, वहां पर इस तरह के बाजार होने की संभावना है, ठीक है। बाजारों की श्रृंखला, बाजारों की या बाजारों की एक श्रृंखला है जो परस्पर एक दूसरे से कड़ियों की तरह जुड़ी होती है, जैसे चेन होती है ना, क्योंकि उत्पाद बाजार से होते हुए एक दूसरे बाजार में पहुंच जाते हैं। मान लिया आजादपुर मंडी आया किसान से, आजादपुर मंडी से कन्याकुमारी पहुंच गया, कन्याकुमारी पहुंच करके सीधे उपभोक्ता के हाथ तक चला गया, ठीक है। और इसके लिए क्या हुआ, ट्रेन से जा सकता है, बस से जा सकता है ना, ट्रकों से जा सकता है, प्लेन से जा सकता है, अगर ऐसा उत्पाद है तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो आपको कैसा लगा चैप्टर, हमें जरूर बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।